मैकेंजल ने मालूम आज बाहर क्या किया है? देखिए, मान रही नहीं रही है, मगर मैंने बोला कैमरे में सब आ गया होगा ऊपर, तो फिर जाके मानी है। और ये घर में ना स्टूडेंट रहती, दो लड़कियां, उनका एक छोटा सा दही का पैकेट था और एक दूध का पैकेट, छोटा सा एक डॉगी आता है ऊपर, मालूम है इसने क्या किया? उसको खिला दिया है। तो मान तो रही नहीं थी, तो फिर मैंने बोला यहाँ कैमरा है ना हमारे, तो मैं बोला कैमरा में सब कैद हो गया है, तो फिर मान गई है। अभी ऐसे क्यों किया? दीदी का दूध और दही खराब करके आ गई है। क्या खाएंगे वो लोग? देखिए, शर्म आ रही है इससे, नहीं तो आपको मालूम है ये कैमरा के सामने कैसे आती है। देखिए, उधर से चली गई है। स्त्री वाले को दे दिए कपड़े मैंने अभी। हाँ, आयरन हो के आ जाएंगे तो आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ना ये कपबोर्ड के अंदर और वॉशबेसिन के नीचे ना बहुत सामान पड़ा है, तो मैं कभी भी सोचती हूँ कभी काम आएगा ये सामान, कभी काम आएगा, तो सच मानिए ये कभी काम नहीं आया। ये अब का नहीं है, बहुत सालों से है। तो मैं सोचती हूँ जो सामान आपका अभी काम में नहीं आ रहा, डेली नहीं तो कभी साल में कभी कभी भी नहीं आ रहा काम में, वो कभी भी काम में नहीं आएगा। उसे छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बाहर फेंक देना अच्छी बात है। मगर आपके पास कोई सामान है काम में आने वाला है तो मत फेंकना। मुझे लगता है कि जो मेरे घर में सामान पड़ा है वो कभी काम आया नहीं है, तो आएगा भी नहीं आगे जाके, उसे संभालने की जरूरत नहीं है। आप भी सोच समझ के ही फेंकना। तो मैं अभी ये वाला सामान जो है ना अभी फेंक दूंगी, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। कपबोर्ड भी खाली हो जाएंगे और ये सामान है ही सच में किसी काम का नहीं है, तो रख देती हूँ क्योंकि कल साइदुलू चला जाएगा अपने गाँव में और मैं भी कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ कल को। तो शायद लोग फिर 2 दिन नहीं नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा फेस्टिवल रहता है तेलंगाना में दशहरा, तो वो तो नहीं आएगा, फुल एंजॉय करेगा 2-3 दिन, तो फिर ये सामान ठिकाने कौन लगाएगा। इसलिए मैं अभी लगी हुई हूँ, तो इसे मैं अभी निकाल लूँ, बाहर रख दूँ, फिर शायद लोग की जिम्मेवारी वो लेके जाएगा। सिद्धार्थ कह रहा हूँ इधर मालूम क्यों आया इतनी जल्दी फोन करे? तो साइदलू अभी आने वाला नहीं था, इतनी जल्दी बहुत बहाने मारता है, इसे चाहिए बोनस, बिस्तरा बोनस जो चाहिए इसे वो ले जाएगा। ये प्लेट थी कुछ, उसको मन है तो घर पे इस्तेमाल कर ले, नहीं तो सेल कर सकता है। और भी सारा बहुत सामान, मुझे नहीं चाहिए था ये वाला सामान। एकदम देंगे साइडलू को हैंड बैग। साइडलू के लिए नहीं है ये, लक्ष्मी के लिए है, बहुत अच्छा है, अंदर से अच्छा खासा है। कपड़े डाल के चले जाए। जो मेरा आज का काम था वो भी मैंने कर चुकी हूँ, और कुछ काम ऐसे रहते हैं जो नहीं करे तो भी चल जाता और छुपे रहते ऐसे सामान के अंदर, नहीं तो एक जगह पे। मगर कभी कभी जब हम लोग पूरा घर साफ कर लेते हैं ना, और नज़र उन पे ही रहती है कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनका कोई काम तो है नहीं, कभी काम पे आए तो है नहीं, तो इसे हटा देना ही ठीक है। तो वो मैंने आज हटा दिया है जो नहीं सामान चाहिए था, और भी छोटे छोटे काम जो मैं करती हूँ डेली रूटीन में आपके साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। और मैं कहीं जा रही हूँ कल, तो वो रहेगा सरप्राइज, आपको बोलूँगी कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि वो छुट्टियाँ हैं। घर मैंने साफ कर लिया था पंजाब से आके, और अभी हमारे पास और
6-7 नहीं तो 8 दिन की छुट्टियां हैं, तो सुरेंद्र बोल रहे थे कहीं जाएंगे फिर से, और मैंने भी सोचा जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम जा पाएंगे नहीं कहीं, तो फेस्टिवल है थोड़ा बाहर घूम आते हैं, पहले भी हम लोग बहुत घूम चुके हैं, तो कल जा रहे हैं हम, वो सरप्राइज रहेगा, मैं आपको कल बताऊंगी, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में नहीं कल के व्लॉग में, बाय बाय फ्रेंड्स।